आदाब एंड वेलकम, दिस इज आर्थिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। हाल ही के टाइम की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म पठान इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो गई और आते ही साथ धूम धड़ाका मचा दिया है। कई सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, नए रिकॉर्ड बना दिए और अब तक की सबसे सक्सेसफुल बॉलीवुड ओपनर बन गई है। जो पहले बॉयकॉट कर रहे थे, अब तो वो भी चुपचाप देखने जा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पठान ने ऑलरेडी 200 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस भी कर लिया है। मतलब मूवी ने पहले दो दिन में जितने पैसे कमा लिए ना, कई सारे एक्ट्रेस अपने 2 साल के करियर में उतना नहीं कमा पाते ऑफिशियली। और इसी के चलते तुम्हारा भाई भी ये मूवी देखकर आया है और बैती गंगा में मैंने भी हाथ मतलब YouTube पर रिव्यू बना दिया। उसकी 1 मिनट की क्लिप दिखा देता हूँ जो बेसिकली मूवी का रिव्यू होगा, और अगर आपको पसंद आए तो आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी मूवी देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। यशराज फिल्म्स के जो स्पाई यूनिवर्स है उसी की एक मूवी है रॉ, ISI, एजेंट बाजी, ये सब पता है आपको। तो जिस हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जिस हिसाब से डायलॉग्स लिखे गए हैं, वो चीजी वन लाइनर्स हैं, वो नेशनलिस्टिक वाले डायलॉग्स हैं, डज जस्टिस टू अ मूवी दिस बिग। एक्टिंग की बात करें तो भाई मुझे मजा नहीं आया। SRK को भी एक एजेंट की तरह कम और SRK की तरह ज्यादा बेचा गया है। चलो बात करते हैं एक्शन सीन्स डुशुम डुशुम की। अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां कई लोगों को BT हो जाएगी। भैया लॉजिक की नाक से सरिया डालकर पिछवाड़े से निकालकर एक्शन सीन्स का बारबेक्यू किया गया है, पहले ही बता दे रहा है। अगर आप बॉलीवुड के फैन हो तो आपको मूवी पसंद आएगी, क्योंकि ये मूवी प्योर बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर है। अब हालांकि पठान ने पैसे कमाए, लेकिन इस हफ्ते देश के कई सारे इन्वेस्टर्स ने पैसे गवाए भी। 12 लाख करोड़ ये वो अमाउंट है जो एक ही दिन में मार्केट से वाइप आउट हो गया। इतने पैसे को इन्वेस्टर्स को नुकसान हो गया, यानी कि पैसा बर्बाद पहुंच। और इसकी वजह रहा अडानी ग्रुप। कैसे हुआ, क्या हुआ, बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, अडानी ग्रुप हमारे देश का एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप की कई सारी कंपनीज हैं और बीते कुछ सालों में इन कंपनीज की वैल्यू 8 से 9 गुना बढ़ी है। आप में से कई लोगों के पास अडानी ग्रुप की कुछ कंपनीज के शेयर्स भी होंगे। अब अडानी की कंपनीज पर ना काफी टाइम से ओवर लेवरेजिंग का इल्जाम लगता रहा है, मतलब कि मार्केट से काफी ज्यादा पैसा उठा रखा है, काफी ज्यादा कर्ज है इनकी कंपनियों पर, बेसिकली काफी रिस्की मामला है इनका। अब एक अमेरिका की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनीज पर एक रिपोर्ट निकाली और कई सारे खुलासे किए। ये इल्जाम लगाया कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में 85% का डाउनसाइड है, यानी कि शेयर्स काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड है। ओवरवैल्यूएशन है, मोटा मोटा समझ लो कि कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, घपलाबाजी हो सकती है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद मार्केट में एक डर का सेंटिमेंट बना और अडानी ग्रुप की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज विलमार, कोर्ट, सीमेंट, ग्रीन, सबके शेयर्स 4 से लेकर 17% तक गिर गए और अडानी की संपत्ति पर्सनली उनकी वेल्थ 4.25 लाख करोड़ से कम हो गई। दुनिया के 4th सबसे अमीर आदमी थे, अब 7th सबसे अमीर आदमी है। क्या ही फर्क पड़ता है, फिर भी बहुत अमीर है। मेरा 4.25 लाख में ही निकल गया था, उसके बाद करोड़ भी लगा दिया इन्होंने। अच्छा, अब अडानी की बात हो रही है तो भाईचारे में अपन को मोदी जी की बात करनी पड़ेगी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, 2 एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो 2002 के गुजरात दंगों पर बनी हुई है, एंड स्पेसिफिकली मोदीज रोल एज गुजरात CM इन द होल पीरियड। अब ये बनाई है UK की BBC ने। ये सब काम बाहर की ऑर्गेनाइजेशन करती है, हमारी वाली हिंदू मुस्लिम में बिजी है, थोड़ी मर्यादा रखिए। इस डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद हमारी सरकार ने ऑफिशियली इसे कई जगह से ब्लॉक करवा दिया। आप YouTube पे इसके बारे में अपलोड नहीं कर सकते, Twitter पे लिंक शेयर नहीं कर सकते, ये सब काम किए गए, बेसिकली ब्लॉक कर दिया गया और कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्री एक प्रोपेगेंडा है, इंडिया को डिस्क्रेडिट करने के एजेंडा से बनाई गई है, जो आजकल एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। अब आपको पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा गॉसिप उन्हीं टॉपिक्स पर होती है जिनका टाइटल होता है सुनो किसी को बताना मत, तो लोगों को चुल्लो गई। ऑपोजिशन लीडर्स ने तो उसके बारे में बोला ही। अलग अलग कॉलेजेस में इसकी स्क्रीनिंग की जाने लगी और क्योंकि इसकी कॉलेजेस में स्क्रीनिंग की जाने लगी तो राइट विंग को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कैसे दिखाओगे, लेफ्ट वालों ने कहा हम देखेंगे, राइट वालों ने कहा आंखें नोच लेंगे। अब इस डॉक्यूमेंट्री के चलते कई जगह झगड़े हुए, हाथापाई हुई, लात घूंसे चले, गालियां दी गई, डंडे भी चले, खूब मारा, मुक्काबाजी, और अभी भी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर मसला बना हुआ है। मतलब पठान हिट हो गई, अडानी पर एक रिपोर्ट आ गई, मोदी की डॉक्यूमेंट्री, लेफ्ट विंग तो खुशी से फूला ना समा रहा होगा। इतनी खुशी बढ़िया तरीके से तुमको कंट्रोवर्सी बताता हूँ, तुम फिर भी वीडियो शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, कुछ तो चाहते हैं ना कि मेरी तरक्की ना हो, मैं गरीब रह जाऊं ताकि मेरे गरीबी वाले जोक्स और ये रिलेट कर पाए। ठीक है बेटा, मत करो तुम शेयर, देखना कोई पार्टी खरीदेगी ना बिक जाऊंगा मैं, फिर प्रोपेगेंडा फैलाऊंगा। भूलना मत गोस्वामी हूं मैं, मेरी कैपेबिलिटी पर शक मत करना। कुछ बोलो इनसे बड़े भाई, अपनी पार्टी के ही दिलवा दो यार कुछ फॉलोअर्स। आई एम सॉरी बाबू।
चलो न्यूज की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते एक इंटरेस्टिंग खबर आई दिल्ली हाई कोर्ट से। न्यूज सोर्सेज या कहें सूत्र, न्यूज चैनल में नहीं देखते, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आर्यन खान ने खाए जेल में 2 पराठे, वो भी नींबू के अचार से। अब देखो ये सूत्रों के मूत्रों का जो मसला है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यूजली होता क्या है कि किसी पत्रकार को ये राइट दिया जाता है कि वो अपने सोर्सेज को डिस्क्लोज ना करे टू प्रोटेक्ट दी सेफ्टी एंड आइडेंटिटी ऑफ द विटनेस और द सोर्स इन क्रूशियल केसेस। लेकिन फिर ये फायदा भी उठा लेते हैं, कुछ भी बकवास हो सूत्रों के हवाले से आई है, मतलब कुछ भी बकवास टाइप करो उसके आगे कोलन लगाओ और लिख दो सूत्र, वो खबर बन जाती है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके गुड्डी बाई से लेके पनवाड़ी बिरजू भैया तक सब सोर्सेज बन जाते हैं। अब इसी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, और वो इसलिए क्योंकि जिस रिपोर्ट के आधार पर ये पूरा मामला चल रहा था उस रिपोर्ट के जो सोर्सेज हैं वो जर्नलिस्ट ने रिवील नहीं किए। जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा कोई स्टैट्यूटोरी एग्जेम्पशन नहीं है जिसमें जर्नलिस्ट कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को अपने सोर्सेज डिस्क्लोज ना करें। सीआरपीसी के तहत कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ये पावर होता है कि वो जर्नलिस्ट से उसके सोर्स पूछ सकते हैं। तो भाई टू व्होमसोएवर इट मे कंसर्न, अगर कोई भी एक्सक्लूसिव खबर छपी और बाद में सीबीआई ने पूछा कि कहां से आई, तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आप नहीं बोल पाओगे। अगली खबर है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का खबर सुनकर ऐसे गदगद हो जाते हैं ना ये लोग, मतलब गोदी मीडिया ऐसे थोड़ी गुमराह कर रही है, डिमांड है तभी तो सप्लाई है। एनीवे देखो गोदी मीडिया आपको पाकिस्तान के नाम पर कई सालों से सेड्यूस कर रही है। कई बार पाकिस्तान के जो मसले होते हैं उनके नाम पर आपके मसले आपसे छुपा दिए जाते हैं, बट अभी जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है वो वाकई में काफी सीरियस है। और आप इसमें ये मत समझो कि अरे दुश्मन देश है और भाई आ गया स्वाद, ये दरअसल हमारी एक नेबर कंट्री है जिससे हम बॉर्डर शेयर करते हैं और ये ऑलमोस्ट अब कोलैप्स करने वाली है। तो अगर नंबर से समझें तो $1 के मुकाबले अब 250 पाकिस्तानी रुपी हो गए। वहां के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $5 बिलियन से नीचे आ गए हैं जो बहुत लो होता है। तो महंगाई दर हमारा 6-7% होता है, उनका 30% के पार जा चुका है। अब ऐसी कई सारी वीडियोस देखेंगे जहां भाई पाकिस्तान में लोग पन्नियों में गैस भर के ले जा रहे हैं, आटे की बोरी पे लड़ाइयां चल रही हैं, मतलब देश की हालत बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। देश दिवालिया होने की कगार पर आ गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसमें सिविल वॉर भी हो सकता है। अच्छा अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो 2023 किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होने वाला है, और देश के स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत खराब टाइम चल रहा है। इस हफ्ते एक रिपोर्ट में पता चला है कि देश के जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं वो अश्नीर ग्रोवर वाले फिनटेक स्टार्टअप्स की फंडिंग पिछले साल 50% से भी कम हो चुकी है। ग्लोबल मार्केट्स रिसेशन में जा रहे हैं एंड ऑल्दो हमारा देश थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, सौ बात की एक बात फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। तो इस साल अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लें, घर गाड़ी घोड़ा रशियन, तो थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना। राजस्थान के कारीगर ने हाल ही में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। स्क्रीन पर जो आप ये देख रहे हो ये दुनिया की सबसे छोटी चम्मच है जिसे जयपुर के कारीगर नवरतन प्रजापति जी ने बनाया है, और ये चम्मच सिर्फ 2 मिलीमीटर की है यानी कि इत्तू सी। ये इतनी छोटी है कि इसमें ढंग से चीनी के 2 दाने भी नहीं आते, लेकिन आता क्या है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब इस हफ्ते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस चम्मच का नाम दर्ज हो गया है एज द स्मॉलेस्ट वुडन स्पून इन द वर्ल्ड। अच्छा ऐसा मुझे ही लगता है या फिर हर घर में होता है कि चम्मच और ये जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स होती है कोई उतना ध्यान नहीं देता, बट ये धीरे धीरे हौले हौले गायब हो जाती है डेमोक्रेसी की तरह। बिना पॉलिटिकल रेफरेंस के जोक सोचूंगा अब मैं। ओके नॉनसेंस न्यूज की बात करते हैं। तो भैया इस हफ्ते हुई क्रिकेटर केएल राहुल और अक्षर पटेल की शादी। आपको अक्षर पटेल के बारे में नहीं पता था ना, बताओ यहाँ भी पाटीदारों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। तो केएल राहुल की शादी हुई आथिया शेट्टी से जो सुनील शेट्टी की डॉटर है, और इतनी खूबसूरत सी पिक्चर्स आई है ना, वो जो अमीरों की वेडिंग पिक्चर्स नहीं होती जिसमें मतलब पसीना नहीं होता, जिसमें ऐसे मेकअप वेकअप उजड़ा नहीं होता, जिसमें करके रिश्तेदार नहीं होते, क्यूट सी जो फोटोज होती ना वो आई। किसी ने बहुत सही ट्वीट भी किया कि केएल राहुल का बस चले तो अपनी शादी में सेहरा नहीं ऑरेंज कैप पहन के जाए। देखो जोक सपाट राहुल भाई यहाँ लंबी इनिंग्स खेल लेना, वरना सुनील शेट्टी बहुत गुस्से वाला आदमी है। अच्छा आपको पिछले हफ्ते लखनऊ की वो स्कूटी वाली घटना याद होगी, इसमें पकड़े गए थे, स्कूटी भी जब्त हो गई थी। इस हफ्ते एक और वीडियो वायरल हुई लखनऊ की जहां इस बार कार के सनरूफ पर आशिकी हो रही थी। प्यार की राह में। ये लखनऊ वाले लोग काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं लगता ये घर के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते हैं। आशिकी भी सड़क पे करनी है ना, और डोमेस्टिक वायलेंस भी। बेंगलुरु की सड़कों पर हड़कंप तब मच गया जब एक इंसान ने एक फ्लाईओवर से पैसे उड़ाना शुरू कर दिए। इसने नोटों की गड्डी फ्लाईओवर से नीचे उड़ाना शुरू कर दी और उसको बटोरने के लिए नीचे अफरा तफरी मच गई। अब इस न्यूज को देखने के बाद मैं भी एक नोएडा के फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हो गया, कोई पान थूक कर चला गया।
देखो लिबरल्स के लिए तो पूरा हफ्ता ही पॉजिटिव न्यूज से भरा रहा, लेकिन इस सेगमेंट में कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज सुनेंगे जो हर नागरिक के लिए अच्छी हैं, मतलब कुछ खुशी देती हैं, कुछ प्रेरणा देती हैं, कुछ तसल्ली देती हैं। जैसे कि ये वाली खबर, यूपी का एक इलाका है सोनभद्र, साउथ यूपी में पड़ता है और ज्यादातर ये ट्राइबल इलाका है, काफी ज्यादा गरीबी है और मतलब खाने वाने के भी पैसे नहीं है लोगों के पास। वहां पर बिफन देवी एक किराने की दुकान चलाती है और उससे जो भी कमाई होती है उससे ये आसपास के लोगों को खाना खिलाती हैं, जिसका नाम है चाची की चलती रसोई। हर रोज इसमें खाना बनकर निकलता है और फ्री में आसपास के लोगों को इसमें कई सालों से खाना खिलाया जा रहा है। तो देखो ये वो इलाका है जहां पर खाने की कमी की वजह से कई बार लोग भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। तो बिफन देवी का कहना है कि कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि उन्हें एक टाइम का खाना खिला दिया जाए जिससे कम से कम लोग भूखे ना मरे। ये रसोई कई साल से चल रही है, आज भी चलती है। अगर आप इनकी कोई आर्थिक सहायता करना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दिया है, आप जाके कर सकते हैं। क्या बोलती पब्लिक? अब देखो पठान पहले बॉयकॉट हुई तो लोगों ने बॉयकॉट सपोर्ट किया, फिर जब रिलीज होने के बाद हिट हो गई तो भाई लोगों ने अपना ऐसे नैरेटिव पलटा है ना जैसे कि विकास दुबे की एसयूवी। कभी कभी ज्यादा बोल देता हूँ। केआरके ने ट्वीट किया, आई वॉज इंसिस्टिंग इन आस्किंग एसआरके टू चेंज नेम पठान बट ही वॉज श्योर दैट हिज नेम इज परफेक्ट एंड फाइनली ही हैज प्रूव्ड दैट ही इज स्टिल बादशाह ऑफ बॉलीवुड एंड आई एम झंडू बाम। चलो देर आए दुरुस्त आए। नेहरू ने ट्वीट किया, नो मैटर हाउ मच अडानी शेयर फॉल इट कैन नेवर मैच द फॉल ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। बात तो सही है। सेंट सिनर ने ट्वीट किया, अडानी स्टॉक्स गिरते हुए देखकर ज्यादा खुश मत होना, अडानी का नुकसान मोदी जी हमसे वसूल करेंगे। अब क्या जीएसटी मुझे देना पड़ेगा? नहीं भाई, मैं 2 बोतल फॉर्च्यून का तेल खरीदूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिन्मय गो 2256 ने कमेंट किया, ईजीआई शुड बी एडिटर्स गिल्ट ऑफ इंडिया। हाँ, जितना मीडिया का स्तर गिरा है इन लोग को थोड़ा गिल्ट तो होना चाहिए। गुड वन। मी बीइंग हैप्पी दैट एसआरके'स करियर इज बैक ऑन ट्रैक, माय ओन करियर। कोई बात नहीं, दूसरों की खुशी में खुश होने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। देखो मैं हलवा नहीं खाती, खाती हूं तो बस जीएसटी। यार देखो निर्मला सीतारमन के मीम टेम्पलेट बेस्ट होते हैं। कहाँ है भाई, तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ 15 मिनट से, बस 20 मिनट से तो मैं ही बाहर खड़ा हूँ। अच्छा चल 5 मिनट रुक, आता हूँ। ठीक है मैं भी निकलता हूँ घर से। द बॉयज। मेरा एक दोस्त है भाई, वो बोल देता है कि हाँ आ जाओ मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, फिर उसके घर के बाहर मैं खड़ा होता हूँ 20 मिनट। देखो इस कलियुग में सर्वाइव करने की एक ट्रिक तो मैं सीख गया हूँ, कभी भी किसी से मिलने जाना हो हमेशा 20 मिनट आगे का कमिट करो। घर से 20 मिनट बाद निकलोगे तो निकल गए हैं, रास्ते में है, ट्रस्ट मी पप्पियां दोगे तुम मुझे। प्रीति ने ट्वीट किया है, गेटिंग अ हेयर कट सीम्स लग्जरी नाउ दैट आई नो मेंस हेयर कट इज डन इन जस्ट 200 रुपए। लड़कों का हेयर कट 200 रुपए में हो जाता है? ये कौन है जो लुट के आ रहा? हमारे यहाँ तो 200 में दाढ़ी और मसाज भी हो जाती है। व्हेन दे ओनली से एसआरके की मूवी सलमान का केमियो। हाँ भाई, मतलब क्रेडिट के टाइम पे जॉन इब्राहिम को ऐसे साइडलाइन किया जा रहा जैसे बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया। वन थिंग दैट ही इज डूइंग ब्रिलियंटली नाउ हैंडलिंग द मीडिया वेरी वेल। You've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes. One area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. इसको मजाक में ले सकते हो, but look at the conviction in Modi's eyes when he said कि एक चीज में बहुत करत रह गया मैं, वो था मीडिया को हैंडल करना। और आज तुम देखो कि तो जो बीजेपी का मीडिया कंट्रोल है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में इस टाइम पे कोई भी डिनाई कर सकता है। बट एज अ पार्टी अगर तुम देखो तो बीजेपी का जो मीडिया गेम है वो बहुत स्ट्रांग है। आज तक किसी भी पार्टी ने इतना स्ट्रांग मीडिया गेम नहीं रखा होगा। अब _AS गंगवार इज वॉचिंग फ्रॉम द एंशियंट सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ। तो भाई एंशियंट सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ इज मॉडर्न डे दिल्ली। पहले जो दिल्ली थी उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, आई डू नॉट नो किसके टाइम में कहा जाता था, याद नहीं आ रहा, बट इंद्रप्रस्थ हमारे राजधानी का बहुत पुराना नाम था। इनफैक्ट एक मेट्रो स्टेशन भी है ब्लू लाइन पे जिसका नाम आज भी इंद्रप्रस्थ है। कैरी _6233 ऑन इंस्टाग्राम इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी वेयर फेमस स्वीट सुरती घरी। अच्छा, तो हर राज्य का ना अपना एक ऐसा मिठाई होती है जिसको बहुत ज़्यादा वो क्लेम करते हैं, जैसे कि बंगाल वाले और उड़ीसा वाले रसगुल्ला को बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं, है ना, मोतीचूर के लड्डू, बालूशाही, कुछ यूपी वाले बहुत क्लेम करते हैं। ऐसे ये जो सुरती घारी है ये गुजरात की रेसिपी है, आई एम अज्यूमिंग कि ये सूरत में बहुत ज़्यादा मिलती है, मैंने कभी खाई नहीं है, बट आई थिंक सूरत से आप बात कर रहे हैं सर। आई एम हर्ष _08 इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ 1857 रेवोल्यूशन। तो सर आपने खुद ही जवाब दे दिया, लोकेशन में मेरठ है जो सिटी ऑफ 1857 रेवोल्यूशन कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि जो 1857 की म्यूटिनी थी
वो मेरठ में शुरू हुई थी और उसके बाद वो ग्वालियर झांसी दिल्ली में ज्यादा फैली, बट मेरठ वो ऐसी सिटी थी जहां से कहते हैं ना कि चिंगारी भड़की। अगर आप भी ऐसे ही शो में फीचर होना चाहें तो शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है, उसे इंस्टाग्राम पर विथ हैशटैग संडे सार्थक अपलोड करना है, हैशटैग से हमें पता चल जाता है आपने अपलोड किया है, और अपने सिटी की, अपने शहर की, अपने कस्बे की कोई एक हिंट देनी है जिसके लिए वो फेमस है। हम यहाँ पर गेस करने की कोशिश करेंगे। इस बार का रिकमेंडेशन ऑफ द वीक कोई किताब नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है जो के ड्रामा की है। मतलब इस हफ्ते मैंने पहली बार अपनी लाइफ में कोई के ड्रामा देखा। द ग्लोरी इसका नाम है, नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी। और इसकी कहानी बेसिकली ये है कि जिसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको बचपन में काफी ज्यादा बुली किया जाता है, और साउथ कोरिया में बुली का कल्चर स्कूल्स में बहुत चलता है, और वो बड़े होकर कैसे अपने बुली से बदला लेती है उसकी ये कहानी है। मुझे काफी अच्छी लगी, मतलब काफी हुक्ड रखती है पूरी स्टोरी आपको। अगर आप के ड्रामा में इंटरेस्टेड है या के ड्रामा चेकआउट करना चाहें तो आई थिंक दिस वुड बी अ गुड स्टार्ट। अब इसकी स्टोरी लाइन तो अच्छी है ही, मुझे सबसे अच्छी लगी इसकी सिनेमाटोग्राफी। मतलब कलर्स का इतना खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है इसमें, कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको सिनेमैटिक ब्रिलियंस का मतलब फील देंगे वो। तो अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो। ये था आज का एपिसोड, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, शब्बक है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।